नेपाल की इन बातों को जानकर आप हैरान रह जाओगे। एशिया का एक ऐसा खूबसूरत देश जहाँ के रीति रिवाज, खूबसूरत मंदिरें, हिल स्टेशन और यहाँ की महिलाओं के बारे में जानकर आप यकीन नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज हम आपको खूबसूरत देश नेपाल की सैर करवाते हैं। दोस्तों, नेपाल को साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और इस देश का प्राचीन इतिहास यहाँ के काठमांडू की पवित्र भूमि से शुरू होता है। वैसे तो नेपाल पर बारी बारी से कई राजाओं ने शासन किया है, लेकिन ये मुल्क आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। इसलिए तो नेपाल का कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है। भले ही एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या सिर्फ 3 करोड़ के आसपास है, फिर भी यहाँ पर 123 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू शहर है, जो दुनिया के 10 सबसे लोकप्रिय शहरों में से एक है। इस शहर को 2000 साल से भी पुराना बताया जाता है, जो कई प्राचीन मंदिरों का घर भी है। यहाँ का हर एक हिस्सा हिंदू और बौद्ध मठों से भरा पड़ा है। नेपाल दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र है, जहाँ पर 80% हिंदू, 9% बौद्ध और 11% में अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की सबसे बड़ी पहचान है माउंट एवरेस्ट और हिमालय। और साथ ही आपको बता दूं कि दुनिया के 10 सबसे ऊंची चोटी यू में से 8 यहीं पर मौजूद है। नेपाल पानी को सुरक्षित करने के मामले में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर पानी को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ज्यादातर लोग गरीब हैं, जिसका कारण है फैक्ट्रीज और बड़ी कंपनीज का यहाँ पर ना आना। दोस्तों, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है, जिसे नुकसान पहुँचाने पर सख्त मना है। यहाँ की करेंसी को नेपाली रूपी कहते हैं, जिसका मूल्य भारतीय रुपए से भी कम है। मतलब कि एक भारतीय रुपए नेपाल के 1.62 रुपए बन जाते हैं। भारत और नेपाल के बीच काफी अच्छी दोस्त है, तभी तो हर भारतीय नागरिक को बिना वीजा और पासपोर्ट के नेपाल में आने की छूट है। केवल एक आईडी कार्ड साथ ले जाना होता है, जबकि बाकी देशों के लोगों को यहाँ वीजा लेना पड़ता है। नेपाल के काफी सारे युवा भारत में काम करने भी आते हैं। इसके अलावा इन्हें भारतीय सेना में भी शामिल किया जाता है। नेपाल के लोग एक दूसरे से मिलते समय हाय हेलो नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर हमारी तरह नमस्ते करते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में काफी श्रद्धा है और इनकी जन्मभूमि लुम्बिनी सांस्कृतिक है, जो नेपाल में ही है। अब आप सोच ही सकते हैं ये कितना शांत प्रिय देश होगा। यहाँ कभी धर्म या जाति के नाम पर कोई झगड़ा नहीं हुआ। नेपाल में टाइम जोन के मुताबिक नहीं, बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है। इसलिए यहाँ का टाइम दुनिया के समय से 45 मिनट पीछे रहता है। यहाँ के लोगों मोमोज खाना ज्यादा पसंद करते हैं। राजधानी काठमांडू में तो आपको जगह जगह मोमोज की दुकान देखने को मिलेगी। नेपाल अपने जंगली जानवरों, खतरनाक सड़कों और मुश्किल भरी उड़ान वाले एयरपोर्ट के लिए भी जाना जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है लुकला एयरपोर्ट। राजधानी काठमांडू के अलावा पोखरा शहर अपनी झीलों, शांत हवा, पक्षियों की आवाज के चलते पर्यटकों को आकर्षित करता है। झीलों के किनारे ऐसी खूबसूरती यहाँ देखने को मिलती है कि आने वाले लोग अपने सारे दर्द और गम भूल जाते हैं। पोखरा घाटी से हिमालय की ऊंची चोटियां हो आसानी से देखा जा सकता है। वैसे तो यहाँ अनगिनत मंदिर है, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर के प्रति लोगों में अलग ही श्रद्धा है। ये मंदिर हिंदू लोगों के 8 सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो नेपाल के काठमांडू में आता है। चौक और आकार में बने इस मंदिर के 4 दरवाजे को चांदी से बनाया गया है। इसके ऊपर शेर का चित्र भी लगा हुआ है। मंदिर के आसपास भी सुंदर नजारे दिखाई देते हैं। नागरकोट ये एक हिल स्टेशन है, जो काठमांडू से 32 किलोमीटर दूर है। लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस हिल स्टेशन के बारे में एक बात आपको चौंका देगी कि यहाँ से हिमालय की चोटियों के साथ साथ माउंट एवरेस्ट का सूर्य उदय भी दिखाई देता है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल 147,151 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। यहाँ से दूसरे देशों में बड़ी मात्रा में चावल, मक्का, गेहूँ एक्सपोर्ट किया जाता है। नेपाल के लोग नेपाली भाषा में बात करते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी अधिक है। कुल आबादी में लगभग 65% महिलाएं हैं।